हमें भोज्य पदार्थों का अवशोषण अभिक्रिया अभिक्रिया की तरह विघटन होता है। परंतु ऊर्जा मुक्त नहीं होती, ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, इसीलिए इसे नष्टकारी क्रिया कहते हैं। ठीक है, आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसको नष्टकारी क्रिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थों का अवशोषण अभिक्रिया की तरह विघटन होता है, परंतु ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, जिसके कारण से क्या होते हैं, नष्टकारी क्रिया कहते हैं। एक अगर अपन आगे बात करें अभिक्रिया, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये मोस्टली C3 पौधों में पाई जाती है। आपने डिस्कस किया था ना C3 और C4 प्लांट जो थे उनके बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ओनली C3 पौधों में पाई जाती है। ये C3 और C4 के जो प्लांट्स के डिफ्रेक्शन पूछते हैं ना, उस डिफ्रेक्शन में भी अपन लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस जो होती है वो C3 प्लांट्स में पाई जाती है, C4 प्लांट्स में नहीं पाई जाती। अब क्या है कि देखो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में किसका उपयोग कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन O2 का प्रयोग हो रहा है ना, O2 का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, O2 के प्रयोग के कारण क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो प्रकाश संश्लेषण की दर संदमित हो जाती है। O2 के यूज के कारण प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो संदमित हो जाती है। और ये बात सबसे पहले बताई थी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओटो वारबर्ग। ओटो वारबर्ग नाम था उसका। 1920 में 1920 के अंदर ओटो वारबर्ग ने ये बात बताई थी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर संदमित हो जाती है। और इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, वारबर्ग प्रभाव बोलते हैं। वारबर्ग प्रभाव क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ओटो वारबर्ग ने इसके बारे में बताया था। तो आपसे हम पूछते हैं कि वारबर्ग प्रभाव क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है वारबर्ग प्रभाव में, कि O2 की उपस्थिति के कारण वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है, O2 की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर संदमित हो जाती है। जिसे वारबर्ग प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। अभी तक अपन ने किसके ऊपर डिस्कस किया है, प्रकाश शोषण की डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाश शोषण एक नष्टकारी अभिक्रिया क्यों होती है, और वारबर्ग प्रभाव क्या होता है। ये तीन क्वेश्चन जो है इस प्रकाश शोषण से बन रहे हैं। अब आगे अगर अपन डिस्कस करें, वारबर्ग प्रभाव दे दिया गया था वारबर्ग के द्वारा, तो उसके बाद में दो और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ओएगर तथा ब्रो। ओएगर तथा ब्रो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1970 के अंदर एक बात बताई थी। और उस बात में उन्होंने क्या बताया था, जो O2 और CO2 होती है ना, उसमें रूबिस्को के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। रूबिस्को अगर आपको याद हो, आपने अगर C3 साइकिल पढ़ी हो तो वहां पर ये आया भी था रूबिस्को। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ये किस जगह पे आया था और इसका वर्क क्या था, क्या नाम था इस रूबिस्को का। जब अपन C3 साइकिल पढ़ रहे थे, C3 साइकिल में अपन ने क्या पढ़ा था, जो राइबोलोज 1,5 बाइफोस्फेट था उसके 6 अणु थे, वो किसका काम कर रहे थे, वो CO2 ग्राही का काम कर रहे थे। CO2 ग्राही का कार्य जो था राइबोलोज RUPP जो थी
राइबोज 1,5Y4 स्प्रेड था, वो CO2 ग्राही का काम कर रहा था। तो उस CO2 ग्राही से फिर क्या बनना था, अपना जो C3 साइकिल का प्रथम स्थायी उत्पाद था, प्रथम स्थायी उत्पाद क्या था, ये बोला था ये इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं, 3 कार्बन युक्त होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ओके क्लियर। हम जिस टाइम C3 साइकिल पढ़ रहे थे उस टाइम इसका वर्क आया था, RUBP जो है ये अपनी CO2 ग्राही का काम करती है, और फिर इस RUBP से इस 3PGA का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बीच में क्या होता है, बीच में एक एंजाइम भाग लेता है, वो एंजाइम है ये, इस एंजाइम की उपस्थिति से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है और क्या बनता है, प्रथम स्थायी उत्पाद बना PGA बनता है। तो ये ओजर और जो ब्रो, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वार्बर्ग प्रभाव जो ओटो वार्बर्ग के द्वारा दिया गया था, इस वार्बर्ग प्रभाव का स्पष्टीकरण करते हुए 1970 में ये बात बताई थी कि जो ओटो और CO2 होते हैं ना, उन ओटो और CO2 में इस रूबिस्को के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। अब प्रतिस्पर्धा कैसे होगी, अगर एनवायरमेंट के अंदर अगर CO2 की मात्रा अधिक होती है तो ये रूबिस्को जो होता है ये CO2 की उपस्थिति के कारण किसका कार्य करेगा, कार्बोक्सिलेज का, ठीक है, CO2 की अधिकता में ये कार्बोक्सिलेज का वर्क करेगा। बट अगर इसका ओपोजिट हो जाता है, अगर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो यही किसका काम करेगा, कार्बोक्सिलेज की बजाय किसका वर्क करेगा, ये ऑक्सीजनेज का। ठीक है, अगर एनवायरमेंट के अंदर CO2 की मात्रा अधिक होती है तो ये रूबिस्को जो होती है ये कार्बोक्सिलेज का वर्क करती है, अगर O2 की अधिकता हो जाती है तो ये ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करती है, ये आपस में इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। ये बात किसने बताई थी, ये ओल्डर तथा ब्रो ने बताई थी। अब अगर अपन देखें, अगर ये CO2 कार्बोक्सिलेज की भांति वर्क कर रहा है, मतलब एनवायरमेंट में CO2 की मात्रा अधिक है तो रूबिस्को क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करेगा। अपन ने पढ़ा था उस टाइम एक एंजाइम मैंने लिख रखा था RUBP कार्बोक्सिलेज की वहां पर क्या थी उपस्थिति, जिसके कारण RUBP राइबोज 1,5Y4 किस में कन्वर्ट हो रहा था, अपने 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अगर एनवायरमेंट में CO2 की अधिकता होगी तो ये कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करेगा, और जो अपनी RUBP है ये 3 कार्बन युक्त एक यौगिक PGA में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बोलते हैं। लेकिन एनवायरमेंट के अंदर अगर O2 की अधिकता है, ऑक्सीजन की अधिकता होती है, तो ये ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है और 2 कार्बन युक्त एक यौगिक का फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल, फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, ये 2 कार्बन युक्त होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको C2 चक्र भी बोलते हैं, या ग्लाइकोलेट, या ग्लाइकोलेट चक्र बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, C2 चक्र या फिर ग्लाइकोलेट चक्र बोला जाता है। जब ये ग्लाइकोलेट चक्र या C2 चक्र यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनता है, तब क्या हो जाता है, ये PGA जो होता है, इस PGA का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है, फिर इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इसका निर्माण अवरुद्ध हो जाता है जब ये अपना फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनता है। और इस पूरी साइकिल का अगर बात करें, इस पूरी की पूरी जो C2 साइकिल ग्लाइकोलेट साइकिल है, इसकी स्टडी किसने की थी, तो 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी स्टडी की थी, जिनका नाम था डेकर एवं टीओ। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने C2 साइकिल की क्या की थी, स्टडी की थी। अब अगर हम बात करें प्रकाश श्वसन कहाँ संपन्न होता है, परोक्सीसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परोक्सीसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 कोशिकाएं हैं जहां पे ये संपन्न होता है, परोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड हरितद्रव्य। ठीक है,
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रकाश शोषण में अगर बात करें, सबसे पहले आपको बता रखा है प्रकाश शोषण की डेफिनेशन क्या होती है। CO2 का यूज होता है, अगर हम प्रकाश शोषण की बात करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन कम होता है, CO2 विमुक्त होती है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। CO2 का यूज न होकर के O2 का तो यूज हो रहा है, और O2 मुक्त न होकर CO2 मुक्त हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट था कि अपनी जो ये CO2 होती है नष्ट कार्य अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोज्य पदार्थों का विघटन शोषण क्रिया की भांति होता है, लेकिन ऊर्जा जो होती है ऊर्जा मुक्त नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको नष्ट कार्य क्रिया बोला गया है। नेक्स्ट फिर बात आती है कि वार्बर्ग प्रभाव क्या होता है। वार्बर्ग प्रभाव ये होता है कि जब O2 की उपस्थिति होती है, O2 की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, O2 की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर संघनित हो जाती है, इसी को अपन वार्बर्ग प्रभाव बोलते हैं। फिर अपना आता है कि ये C2 साइकिल क्या है, तो इसमें यह होता है कि O2 की अधिशेषी अपना जो एक्सट्रैक्ट होता है ये रूबीज को, उसके बाद में अगर मैन वर्ल्ड की बात करें तो ये C3 साइकिल जो प्लांट होते हैं, C3 जो पादप होते हैं, C3 पादपों के अंदर क्या पाया जाता है, प्रकाश शोषण पाया जाता है, जिसमें क्या ये रूबीज को जो एंजाइम आता है ये इसके लिए CO2 और O2 में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। जब एनवायरमेंट में CO2 की अधिकता होती है, एनवायरमेंट में CO2 की अधिकता होगी तो क्या होगा, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति कार्य करेगा, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, जिससे RBP से 3 कार्बोनिक 3 PGM फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा, जो C3 साइकिल का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। अगर एनवायरमेंट के अंदर O2 की अधिकता होगी तो ये ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा, जो क्या होता है 2 कार्बन युक्त होता है, 2 कार्बन युक्त होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, C2 साइकिल भी बोलते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। अगर बात करें कि ये संपन्न कहाँ पे होता है, तो ये प्रोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में कंप्लीट होती है ये पूरी की पूरी प्रोसेस। तो इतना तो दे रखा है आपने प्रकाश शोषण में। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे कि जो ये प्रकाश शोषण है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश शोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम 2 प्रकार के कारकों की स्टडी करेंगे, आंतरिक कारक और बाह्य कारक।